नूडल्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ पोहे की रेसिपी। पोहा जो कि घर पे हम अमूमन नाश्ते के लिए बनाते रहते हैं फटाफट, तो मैं आपको झटपट उसकी रेसिपी बता देती हूँ कि कैसे बनेगी। सबसे पहले हम ये सीम जो है उसे फ्राई कर लेंगे। आप अगर कम खाते हो तो आप कम डालिएगा। मैंने यहाँ पे 3 चमची जो है सीम यहाँ पे डाली है मूंगफली, इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें डाल देंगे तड़के के लिए राई, 1 से आधा टेबलस्पून लेना है हमें राई, ज्यादा नहीं, कड़ी पत्ते। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, साथ ही में अब हम यहाँ पे मटर और आलू जो है छोटे छोटे पीसेस करके ले लिए हमने, तेल डाल देंगे जिससे कि प्याज और आलू और मटर जो है हमारा एक साथ में रेडी हो जाए। अब हम इसमें हरी मिर्च भी ले लेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 हरी मिर्च ली है छोटी, क्योंकि हमें ज़्यादा तीखा नहीं बनाना है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए ढक कर अच्छे से रख देंगे। तो अब हमारे आलू जो है वो चढ़ चुके होंगे, आलू मटर, तो हम देख लेते हैं एक बार। हाँ, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे आलू मटर जो है वो काफी अच्छी तरह से चढ़ चुके हैं। तो चलिए अब हम इसमें बाकी के जो मसाले हैं वो डाल देते हैं। पहले नमक डाल देते हैं 1/2 टेबल स्पून, ज्यादा नहीं डालना है। हल्दी उसे भी मात्रा में लिमिटेड रखनी है जिससे कि रंग आए, और धनिया पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पोहा ऐड कर देंगे। यहाँ मैं सिर्फ 3 लोगों के लिए पोहा बना रही हूँ, तो मैंने ज्यादा क्वांटिटी नहीं लिया है। एक बाउल है, मीडियम साइज का बाउल है, उसमें लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा खटास आने के लिए टोमेटो डाल देंगे, कटे हुए टोमेटो। हम ऐसे इसमें थोड़ा सा नींबू भी ऐड करेंगे, बट हम ज्यादा नींबू ऐड नहीं करेंगे। टमाटो जो है ये काफी अच्छा, थोड़ा सा रंगीन भी दिखाता है हमारे पोहे को, और इससे अच्छा सा स्वाद आता है। अब हम थोड़ा सा खटास आने के लिए लेमन भी ऐड करेंगे। और इसे हम मिला लेंगे एक बार अच्छे से, और साथ ही में हम अब गार्निशिंग के लिए और थोड़ा सा स्वाद आने के लिए हरा धनिया, जो कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। आप देख सकते हो इसे मैं थोड़ा सा अच्छे से मिला रही हूँ, काफी अच्छा कलर और काफी टेस्टी भी लग रहा है ये देखने से ही। अब हम गैस बंद कर देंगे। जैसे आप देख सकते हो कि हमारा पोहा जो है वो एकदम से रेडी हो चुका है, काफी अच्छे से कलरिंग फुल ग्रीन, रेड और येलो। तो आप भी ट्राई कीजिए ऐसे ही पोहे बनाने घर पे, और मुझे बताइएगा कि कैसे बने। पोहा आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, मेरे चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।